मेरा नाम दुर्गा दत्त है। हाँ जी, मैं संजीवनी द्वारका पैथ एंड रेडियोलॉजी लैब से हूँ। ये श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन की तरफ से यह जो रन फॉर चैरिटी का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है और ये लोगों को जागरूक करता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे सचेत रहें। बहुत लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और काफ़ी जागरूकता भी आएगी। और मैं जितना भी धन्यवाद दे सकता हूँ यह श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के लोगों के, जो भी इस टीम के मेंबर्स हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में संजीवनी द्वारका पैथ लैब एंड रेडियोलॉजी लैब जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ संजीवनी द्वारका पैथ लैब को कि उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा दत्त चौधरी। कहाँ पे आए हैं आप अभी? मैं आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 10 में अभी हूँ। तो यहाँ से क्या वितरित किया जा रहा है? यहाँ से जो भी इसमें भाग लिए हुए हैं उनके लिए टी शर्ट का वितरण किया जा रहा है। सुबह कितने बजे से कौन सी डेट में है ये, मतलब मैराथन दौड़ इनकी? ये मैराथन दौड़ 1 दिसंबर सुबह 5:30 बजे से स्टार्टिंग है जी। कहाँ से कहाँ तक होगी ये? द्वारका सेक्टर 11 का जो ग्राउंड है, डीडीए पार्क है, वहाँ से स्टार्ट होगा सुबह। और इसका रेंज निर्धारित किया गया है कि 3 किलोमीटर का यहाँ तक है, 5 किलोमीटर का यहाँ तक है और 10 किलोमीटर का यहाँ तक। हाँ। तो बच्चे भी भाग लिए हैं इसमें? हाँ हाँ, इसमें बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं और आने की संभावना। कितने कितने साल से जुड़े हुए हैं, कितने नौजवान हैं, क्या है कुछ संख्या मालूम है? लगभग 1000 के आसपास है संख्या। यस, ठीक है।